नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। गूगल मैप पर अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों वो सभी रास्ते जिन रास्तों पर जो है टोल कटता है, और उन रास्तों को इग्नोर करके कैसे आप अपनी यात्राओं को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों उसी कड़ी में अब गूगल मैप ने एक नया अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद अब आप जहाँ से यात्रा शुरू करने वाले हैं, जहाँ तक आपकी यात्रा ख़त्म होगी, उस बीच में आने वाले टोल्स पर जो है कितना पैसा आपका लगेगा अनुमानित अप्रॉक्स, वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर जर्नी हमारी पता करते हैं और हम भोपाल से चलते हैं मुंबई, और दोस्तों ये आपको दूरी जैसे ही बताता है फोर व्हीलर टू व्हीलर ट्रेन के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बताएगा कि जो है कितना टोल लगना है। देखिए पहले आप देख लीजिए 775 किलोमीटर्स का ये रास्ता है, 14 घंटे 7 मिनट में ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप गौर से देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको तीन रास्ते यहाँ दिए जा रहे हैं। एक रास्ता है जहाँ पर 16 घंटे के आसपास लग रहे हैं, एक रास्ता है जहाँ पर 17 घंटे लग रहे हैं, और एक रास्ता है जहाँ पर 14 घंटे के आसपास लग रहे हैं भोपाल से मुंबई जाने के लिए। और दोस्तों तीनों पर आप अनुमानित पैसे देख पा रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में आपको देख रहे हैं 992, 1139, 1436। ये अप्रॉक्सीमेट टोल है जो इन रास्तों में आपको लगेगा, जितनी भी जगह टोल आएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये टोल है दोस्तों। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोल्स 1436 एस्टिमेटेड है, ये जो भी टोल पास रेट्स यहाँ पर गूगल मैप को बताई गई होंगी, प्रोवाइड कराई गई होंगी दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे जैसे जाएंगे और आपको ये पूरा जो है करके दिखाया जाएगा दोस्तों। इसी में देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको एक एवरेज भी बताया जाता है। मान लीजिए जहाँ पर टोल कम लग रहा है वहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, तो बात बराबर ही है। और ये कैलकुलेशन, ये अपडेट जो है नया आया है गूगल मैप में, बहुत ही अच्छा अपडेट है दोस्तों। आप देखिए ये जैसे ही आप अपने रूट्स को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर टोल्स की कोई कहानी नहीं है, टू व्हीलर में टोल्स की कोई कहानी नहीं है। जैसे ही आप फोर व्हीलर पर आ जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको टोल दिखाने लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम जो है हमारा सोर्स बदल कर अगर इसको इंदौर कर लेते हैं, और इंदौर से अगर मुंबई चलते हैं तो दूरी कम होगी, टोल कम होगा, पैसा कम लगेगा, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ से दूरी हो गई है 583 किलोमीटर्स, टोल भी जो है कम हो गया है, आप अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं। ये और भी जो रास्ते हैं यहाँ से भी घुमाने के बाद आप अगर मुंबई पहुँचना चाहते हैं तो समय ज़्यादा लगना है, पैसा कम लगेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और अब जो है आप अपनी यात्रा को और भी अच्छा बना सकते हैं गूगल मैप की मदद से। ये देखिए जितना भी आप जूम करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये टोल का पैसा भी बताने वाला है कि कितना टोल जो है उस रास्ते पर आपको लगने वाला है, जिस रास्ते पर आप अपनी यात्रा को ले जाने वाले हैं, जहाँ से शुरू करके जहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, आशा करते हैं इस अपडेट से बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग सफ़र करते हैं अक्सर, जिन्हें कन्फ्यूज़न रहता है टोल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, किस तरीके से दोस्तों आप टोल से बच भी सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में उसका जो है लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है